पोस्टर्स, कार्स, बुक कलेक्शन। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ तेरे जाने के बाद मुझे क्या क्या मिलेगा। गोल्ड ऑन खतरनाक जो है। क्यों? गोल्ड ऑन तो हर किसी को चाहिए। लेकिन उसके बैड लक का क्या होगा? बैड लक? लल्लू तू पेपर नहीं पढ़ता क्या? उसमें लिखा है जिसे भी गोल्ड ऑन मिलेगा उसका बैंड बच जाएगा, खत्म। ये झूठ है। ये सच है। एक लड़की थी, उसे भी गोल्ड ऑन मिला तेरे जैसा। बस दूसरे दिन पॉटी करने गई तो खुद ही फ्लैश हो गई। और एक लड़का भी था जिसे गोल्ड ऑन मिला था, अपने डॉगी को घुमा रहा था कि ऊपर से गिरा और गर्म लावा में अटका। और ये सब सिर्फ गोल्ड ऑन के बैड लक के कारण। ओह नो, मैं देख सकता हूँ गोल्ड ऑन का बैड लक धीरे धीरे तेरे पास आ रहा है लल्लू। इसका मतलब तू मरने वाला है। मैं बैड लक से नहीं डरता। बचाओ मुझे हेनरी, बचाओ। मामा, मामा मुझे बचाओ, मामा। ठीक है, अगर तू वो गोल्ड ऑन किसी और को दे देगा तो बैड लक भी उसके पास चला जाएगा। अब मैं तेरा बड़ा भाई हूँ तो तेरा बैड लक भी मैं ही ले लेता हूँ, सिर्फ तेरी जान बचाने के लिए। हेनरी, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। हाँ। कितना लल्लू है। तुमसे मिलने मार्गरेट आई है, मेरे प्यारे भाई। मैं तुम्हारे लिए कल सुबह तक नहीं रुक सकती। कहाँ है वो गोल्ड ऑन? मैं देखना चाहती हूँ अभी के अभी। पीटर, मेरे लिए एक और कोल्ड ड्रिंक और एक चॉकलेट शेक और एक और शेक लाना, जल्दी। अभी लाया भाई। पता है मेरा बड़ा भाई बहुत ब्रेव है। ठीक है ठीक है, तो दिखाओ जल्दी। कितना सुंदर है ये, मुझे दे दो। बड़ी आई, ये गोल्ड ऑन है, मैं तुझ जैसे बिद्दी को क्यों दूं? मैं तुम्हें वो नई गन दूंगी। ग्रीन कलर वाली? बिल्कुल सही, एकदम नई। पैची पैक। ठीक है, फिर कल। हाँ, स्कूल में जरूर आना, अब आएगा असली मजा। सच में उसे दे दिया तुमने? क्या बात है, सच में खूबसूरत है। बहुत ही अच्छा है। इसका तो रंग उतर गया। लगा तेरी सड़ी गन के लिए मैं तुझे गोल्ड ऑन दे दूंगा, इसके लिए मुझे कोई और अच्छा ऑफर चाहिए। मंडे को तुम लोग अपने बेस्ट खिलौने लेकर आना, अगर पसंद आया तो मैं ये एक्सचेंज कर लूंगा। पता नहीं मॉम कब सीखेगी चाबी छुपाना। ये मिल गया, मुझे कोई केक से तू नहीं रख सकता। हेनरी, ये सब क्या हो रहा है? केक खा रहा हूँ, भूख से मर रहा था। हेनरी, तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हेनरी, तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। जिसे भी गोल्ड ऑन मिलता है उसे बैड लक भी मिलता है, पर हेनरी ने मेरा गोल्ड ऑन ले लिया मुझे बचाने के लिए, पर अब वो मरेगा। हेनरी, मन तो कर रहा है कि अभी एक थप्पड़ लगा दूं, वापस करो गोल्ड ऑन, नहीं तो टीवी बंद। पर मम्मी, मुझे कल स्कूल ले जाना है। हेनरी, मुझे गोल्ड ऑन चाहिए।
ध्यान से, तुम अपने जर्म्स मेरे ऊपर छोड़ रहे हो। ओहो, पागल मत बनो हैरी। हे कीड़े, मैं जर्म से छुटकारा पाने के लिए केवल अपने हाथ धो रहा हूँ। मुझे नहीं लगता तुम हाथ धोने से सारे जर्म से छुटकारा पा सकते हो। तुम ट्राई क्यों नहीं करते हैरी? मैंने सुना है कि वो एक जैवलिन जितनी बड़ी होती है। क्या? इंजेक्शन की सुई। वो मेरे हाथ जितनी बड़ी होती है। किसने कहा? क्या कहा तुमने? मैंने कहा जितनी बड़ी उतनी अच्छी। दुगना बड़ा। क्योंकि तुम इतने बहादुर हो हेनरी। हाँ मैं हूँ, इतना बहादुर हूँ कि जाकर पता कर लूंगा कि। हाँ, तुम बहादुर दरअसल मिठाई खाने के मामले में हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे इंजेक्शन चाहिए। नहीं, मुझे सच में नहीं लगता कि इंजेक्शन चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं एंड्रू, कल किसी को इंजेक्शन नहीं लगाया गया था। और सभी को स्वीट्स मिले। ये अच्छी बात है विलियम। मैं जानता हूँ। कुछ लोगों को तो एक से ज्यादा मिठाई मिली थी। लगभग 30 मून फिजलर चॉकलेट और 55 ऑरेंज बर्स चॉकलेट बांटी गई थी। इतनी मिठाई काफी होती है। बहुत अच्छे, मुझे वहाँ सबसे पहले पहुँचना है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस्टर एलेक्स। जैसा आप लोग जानते हैं कि आज डॉक्टर के पास जाने की बारी हमारी है, और मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी इस बात से डरे। ब्रायन, मेरे ख्याल से तुम्हारे पास इसका कोई हिसाब है। ओ हाँ मिस बैटलैक्स, आंकड़े के हिसाब से क्लास में केवल 0.1% बच्चों को ही इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा मैम। शुक्रिया ब्रायन। तो सबसे पहले इंजेक्शन कौन लगवाना चाहेगा? अच्छा तो ठीक है, तो फिर जाओ। सब बच्चे जाएंगे सिर्फ हेनरी को छोड़कर। मैं जानती हूँ कि तुम आज लेट आए थे हेनरी। हाँ मिस बैटलैक्स। और ऐसे क्यों? मुझे अपना शर्ट बदलना था मिस बैटलैक्स। अच्छा, तुम लेट इसलिए हुए क्योंकि तुम्हें अपना शर्ट बदलना था। हाँ मिस बैटलैक्स, मेरी गलती नहीं थी मिस बैटलैक्स। मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा हेनरी। हाँ बूढ़िका, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? जरूर मिस ऑडबॉर्न, तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो हेनरी। भागो, चलना मना है हेनरी। हेलो ग्रेहम की मॉम। ओह हेलो हेनरी बेटा, तुम कैसे हो आज? मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया ग्रेहम की मॉम। क्या तुम डॉक्टर से नहीं मिलने वाले हो? हाँ मैं वही जा रहा हूँ। ओह फिर तो मुझे तुम्हारा रास्ता नहीं रोकना चाहिए, लेकिन ये काम हम करेंगे कैसे? माफ करना। ओह डियर, मुझे तो रास्ता सूझ ही नहीं रहा है, और इससे मिस ऑडबॉर्न का खाना भी ठंडा हो रहा है। मेरी बात सुनिए, आप ऐसे ही खड़े रहिए, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है फिर, तुम सीधे खड़े रहो, मैं निकल जाती हूँ। नहीं मेरा मतलब। अरे मिस ऑडबॉर्न यहाँ आ गई। झुको हेनरी। हाँ हेनरी। हाँ मैडम टूटू। और कोई भी है तुम्हारे साथ? नहीं मैडम टूटू। फिर तो मुझे तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। ओ लाला, इन्हें कहाँ रखूं? खाली हो गया, पूरी तरह से खाली हो गया। हेनरी हेनरी, ये लड़का कहाँ चला गया? यहाँ हूँ मैडम टूटू। ओह तो तुम यहाँ हो, ये क्या किया तुमने? कचरा न रहने दो, कचरे को उठाओ। कचरा जोड़ गया तो लोटीन हो जाएगा। कचरा मेरी तोबा, कचरा मेरी तोबा, कचरा अब न होगा, कचरा अब न होगा। आखिरकार तुम आ ही गए पागल लड़के। हाँ। इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो? हाँ इंजेक्शन के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने क्या कहा था? मेरे शिकार तो तुम हो हेनरी।
वो कहाँ है हेनरी? क्या कहा है? तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ? नहीं नहीं जानता। हेनरी तुमने मेरा मोबाइल फोन कहाँ छुपाया है? तुमने तो कहा था कि वो एक मोबाइल मिरर है मार्गरेट। हाँ था, मतलब है, मतलब जो भी था वो हेनरी ने चुरा लिया है। क्या ये बात सच है हेनरी कि तुमने मार्गरेट का मोबाइल फोन चुराया? मेरा मतलब मोबाइल मिरर। नहीं, मैंने इसका मोबाइल मिरर देखा भी नहीं है सर। बिल्कुल देखा है हेनरी, तुम्हारी नजर मेरे मोबाइल मिरर पर हमेशा से थी और इसलिए तुमने उसे चुरा लिया। हाँ ये सच है, तुमने कॉरिडोर में मुझे धक्का दे दिया और मेरा फोन चुरा लिया। तुमने मेरा फोन मेरी नाक के नीचे से चुरा लिया। और अब तुम भले होने का नाटक कर रहे हो ताकि सब लोग समझे कि मैं पागल हूँ, जबकि असल में पागल और बुद्धू तो तुम हो। हाँ हेनरी, तुम इन्हें मेरा मोबाइल चुराया है। सच बताओ हेनरी, ये झूठा नाटक बंद करो, अब तुम गए काम से। चलो हेनरी चलते हैं, मुसीबत दिखते ही भागो। ये सबसे बेस्ट बैठ रहा है। गुड मॉर्निंग हेनरी। मॉर्निंग पापा। तुम लेट हो हेनरी। जानता हूँ पापा। चलो हेनरी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओह थैंक्स पापा। बस मेरा टाइम मिल जाए। इसका मतलब एक और बोल खाने का वक्त आ गया। हाँ? क्या ये लड़का चोर है? क्या ये लड़का दिखने में तो जरूर भोला भाला है, पर असल में ये एक चालाक मुजरिम और बुरा लड़का है। तो अपने मोबाइल फोन संभाल कर रखिए, नहीं तो वो चोरी हो सकते हैं। इसमें तो सब झूठ लिखा है। ये लिखा किसने? देखो तो जरा। लेखक है बिल बॉब का बेटा, जो इस न्यूज़पेपर का मालिक है। अरे मेरे पापा उनकी कंपनी में काम करते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। यार हेनरी। तैयार पापा। कैसा दिख रहा हूँ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज अच्छा दिखना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस में आज मेरा एनुअल रिव्यू है। आपका एनुअल रिव्यू? हाँ, मेरे बॉस मेरी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं अगर मैं लकी हुआ तो, और आज का दिन मुझे लगता है मेरे लिए बहुत लकी है। लकी होना चाहिए। बहुत अच्छे पापा। लगता है ये रिपोर्टर्स तुम्हारे लिए ही रुके हैं हेनरी। बाय पापा। हेनरी क्या तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, पहली बात ये है कि मैं चोर नहीं हूँ। पर इस लड़की को ऐसा नहीं लगता। मैं चालाक हूँ पर मैं चोर बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे? देखिए अपने जो भी सुना है सब झूठ है। पर उसने तो कहा कि वो सच है। पर ये लड़की झूठ बोल रही है। उसकी स्टोरी दिलचस्प है। आपको उस पर यकीन है और मुझ पर नहीं? हाँ उसकी स्टोरी दिलचस्प है। ये स्टोरी दिलचस्प है? ये मेरी लाइफ का सवाल है। हाँ बच्चे मुश्किल तो है, खासकर जब तुम्हारी दुश्मन वो है। मेरे ऑफिस में चलो अभी। हेनरी बताओ तुमने मार्गरेट का मोबाइल मिरर क्यों चुराया? मैंने नहीं चुराया मिस ऑडबर्न, मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। चुराना तो दूर की बात है। हेनरी एक चोर है। हेनरी चोर है। हेनरी चोर है। हेनरी चोर है। ओह नहीं, मुझे आज तुम्हें डिटेंशन देना पड़ेगा हेनरी। पर मिस ऑडबर्न। पर वर नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। जब तक ये मामला सुलझता नहीं, उम्मीद है जल्दी सुलझेगा। क्या आप जिंदगी में कभी भी पूरे दिन पनिशमेंट से गुजरे हैं? और गला न्यूज सुनने से पहले ये ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। हाँ तो मुझे बताइए क्या आप सच में चालाक चोर हेनरी से मिले हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ। क्या मैं बस चालाक हूँ, लेकिन ऐसे गलत कामों के लिए नहीं। हाँ मिली तो हूँ और कह सकती हूँ कि वो दिखने में मासूम है पर एकदम बदमाश है, देखकर ऐसा लगता तो है। तो आप क्या कहते हैं? It's so easy being me, I'm hard-headed.
मुझे पता है वो दोनों कुछ कान करने में लगे हैं। मार्गरेट और मेरा बेटा, आखिर क्या चाहिए आपको? हमें लगा तुम नाश्ता करना चाहोगी प्रिंसेस। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप देख नहीं सकते कि मैं बिजी हूँ। ओह ठीक है प्रिंसेस, बाद में मिलते हैं बेटा। मैंने कहा था कि मुझे उस नाम से मत बुलाइएगा। ओह सॉरी प्रिंसेस, ठीक है मैं चलता हूँ बेटा। मुझे बस मार्गरेट कहिए। जी ठीक है मार्गरेट बेटा। पकड़े गए, मेरा सारी रात जागना बेकार नहीं गया। ये दोनों कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। कौन दोनों कुछ कर रहे हैं? ओ, कुछ नहीं, मतलब कोई नहीं। दिलचस्प बात है। बताओ क्या दिलचस्प है? ओ, कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं। क्या आपको पजल खेलने में मदद चाहिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने सच में बना दिया। अंत में इसे बनाना उतना भी मुश्किल नहीं था, मुझे बस बहुत से न्यूडल प्लग इकट्ठा करने पड़े और डैड को कुछ वायर देने के लिए मना लिया। मैं इंप्रेस हो जाऊंगा अगर ये काम कर रहा होगा। ये तो गिज़्मो की तरह दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? गोल्ड तो नहीं, अगर सबके पास गोल्ड होगा तो मेरा वाला स्पेशल नहीं होगा। ठीक है फिर नीले रंग का बना देते हैं। तो कितना कूल। हाँ, इतना तमाशा एक नीले खिलौने के लिए। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। अपने साइड के फेंस पर इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? मैं दूसरे के घर घुसने के लिए तुम पर केस ठोक सकती हूँ। देखो, मैं किसी पुरानी सड़ी सी मशीन को क्यों देखना चाहूंगी? तुम तो उन लड़कों जैसे ही बुरे हो, एक खिलौने बनाने की मशीन को लेकर इतने पागल हो रहे हो। पर यही तो बात है, ये केवल एक खिलौना बनाने वाली मशीन नहीं है। 3D नोवो फैंगल प्रिंटर एक डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशन वाले सॉलिड चीजें बनाता है। नहीं, अब भी समझ नहीं आया? तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। अच्छा मच्छल, ये एक फोटोकॉपियर जैसा है जो असली चीजों की कॉपी बनाता है। ओके, अब समझ आया, ये कूल है। कूल नहीं, बहुत कूल। तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे ये हेनरी के बेड के नीचे से मिला, वो इसे रोज रात में पढ़ता है। अच्छा ऐसा क्या? पता नहीं वो इतने सारे खिलौने के साथ आखिर करेगा क्या। किसे परवाह है, जरा ये सोचो कि तुम इस 3D प्रिंटर से क्या क्या बना सकती हो। जैसे? ओह, फेरी केक और जानवरों के चैरिटी के लिए पैसे और बहुत से गड्ढे और ओह, मैं समझ गई। फ्रॉग और ताज और बढ़िया से जूते और वैसे भी मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे थैंक यू पीटर, हम ये बात अपने तक ही रखेंगे, ठीक है ना? ओह, इतने सारे पूडल डॉग्स, सब मेरे होंगे। यकीन नहीं होता तुमने एक रात में सब बना दिया। हाँ, और ब्रांड को लगता है वो प्रिंटर को और फास्ट कर सकता है। क्या मुझे ये 3 जेम्स की गोलियों के बदले ये खिलौना मिलेगा? 5 दे दो और खिलौना ले लो। ठीक है। मुझे लगा हम सिर्फ कैश ले रहे हैं। अदला बदली का जमाना है हेनरी, हमें जो मिलता है रख लेंगे, सिंपल है। ओके कूल। बस अब इनके बाद ब्लू वाले खिलौने मत बनाना। क्यों नहीं? जितने कम उसकी कीमत ज्यादा। क्या कहा? मार्केट में एक जैसी बहुत सारी चीजें नहीं होती, नहीं तो कीमत कम हो जाती है। तुझे ये सब कैसे पता? मैं बिजनेस बॉयज शो देखता हूँ। अच्छा, माँ मुझे वो देखने नहीं देती। Hey Fang, एक गेम कीचड़ लड़ाई खेलना चाहोगे? हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। बहुत अच्छे Fang। चीट किया जाए या छोड़ दिया जाए, यही तो सवाल है। Yeah.